तो दोस्तों, अगर आप भी लोन अप्लाई कर कर के थक गए, आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नावी एप्लीकेशन से लोन कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि अप्लाई कैसे करें, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि नावी एप्लीकेशन से लोन कैसे लें। जी दोस्तों, केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपको अप्लाई करना है और कुछ ही मिनट के अंदर ही आप पैसा जो है आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिल सकता है, वो आपके खाते में आ जाता है। जो भी आपका सिविल स्कोर होगा जैसे, उस हिसाब से आपको लोन अप्रूव कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी जानकारी दे देना चाहते हैं कि अगर आप नावी एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से मत डाउनलोड करिए। अगर आपको 500 रुपये चाहिए ना कैशबैक बोनस के तौर पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कैशबैक 500 रुपये आपको मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है आपको नावी एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कैशबैक 500 रुपये आपको दिया जा रहा है यहाँ पर नावी एप्लीकेशन की तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन से ही आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद हमें इसे इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के OTP आएगा, वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल करके वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह से होम पेज नज़र आएगा नावी एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, यहाँ पर आपको कैश लोन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर जैसे कि लोन अप्रूवल के लिए आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है, क्या क्या देना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल देना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल देना है, वर्क आप क्या क्या करते हैं, यहाँ पर बैंक डिटेल देना है, आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है और उसके बाद यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो ये सारा स्टेप हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यहाँ आपको फुल नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड में दिया हुआ छपा हुआ, ठीक उसी तरह से यहाँ पर अपना पूरा नाम डालना है। और जैसा ही आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उसी तरह से यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ इस बॉक्स में क्लिक करके डालना है। जैसे ही आपके पैन कार्ड में छपा हुआ डेट ऑफ बर्थ उसी तरह ही डालना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पैन कार्ड के थ्रू ही वेरीफाई करेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक सेल्फी देना है, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सैलरी, आप सैलरीड हैं, आपको सैलरी मिलती है, या फिर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेस है, या फिर आप स्टूडेंट और कोई अदर आपका ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मंथली इनकम डालना है कम से कम 20,000 या जैसा भी आपको होगा उस हिसाब से आप जो है दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अभी ये फेचिंग कर रहा है आपका पैन कार्ड कि आपका सिविल स्कोर कितना हो सकता है या आपको कितना लोन दे सकते। अभी आप देख सकते हैं हमें जो है 22,000 का लोन तुरंत जो है यहाँ पर अप्रूव करके दे रहा है कि हमें 22,000 तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं 0 प्रोसेसिंग फ़ीस आपको यहाँ पे लग रहा है, यानी कि कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लग रहा है आपको, 0 देना पड़ेगा यहाँ पे। और भी देख सकते हैं फोर्स क्लोज प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो भी आपको 0 ही लग रहा है, यानी अगर आपका लोन ख़त्म होने से पहले आप पूरा पेमेंट करना चाहते हो, सोच रहे हो कि लोन पूरा ख़त्म कर दें, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सभी जो है फोर्स क्लोज करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस करती हैं, जो कि बहुत ही मुझे नहीं लगता सही है, ठीक है। तो आप कभी भी लोन पूरा ख़त्म कर सकते हो जिसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। उसके बाद अभी आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा 9 महीने का EMI बना है जो कि 2.4% का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 रुपये मेरा हर महीने का EMI कटेगा मेरे खाते से। तो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पर मैं कम से कम 10,000 लोन ले सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 रुपये लोन ले सकता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछता है कि आप किस बैंक खाते में लोन प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल देना है, जैसा आपका पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम होगा उसी तरह से ही आपके बैंक में भी नाम और डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे को बैंक नहीं देना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
ताकि और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्फी देना है और एड्रेस वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ सेल्फी पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, कैमरा चालू हो जाएगा, फ्रंट कैमरा चालू करेंगे और उसके बाद जो है आप अपना सेल्फी अपलोड कर देंगे, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। उसके बाद यहाँ योर एड्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आप दो तरीके से अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं, सबसे पहला है डिजी लॉकर, दूसरा है मैन्युअली। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए, डिजी लॉकर से अगर आप करते हो तो बहुत ही आसान है, जिसके थ्रू आप केवल एक OTP के जरिए एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो। आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP आएगा, उसके जरिए कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, जो कि आपके आधार कार्ड में दिया रहता है। आधार कार्ड नंबर डालेंगे और आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक कैप्चा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जिसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, उस OTP को आपको एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस डालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है जहाँ तक है ले लेगा, अगर नहीं लेता फिर भी आपको डाल देना है, अपने हिसाब से एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा, हाउस नंबर, गाँव, गली, मोहल्ला, जो भी है, सिटी है, पिन कोड आपके आधार कार्ड के थ्रू ही डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आइए हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप जो है EMI बैंक खाते में आपको सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि आपके खाते से ऑटोमेटिक कट जाए, इसके लिए आपको यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। नीचे आपको सेटअप ऑटो पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, इसे आप सेटअप कर दोगे तो आपके खाते से हर महीने ऑटोमेटिक ही पेमेंट कट जाएगी, आपको कहीं जमा करने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे सेटअप पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल शो होती है कि आपके खाते से कितना बैलेंस कटेगा, खाता नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर टिक मार्क पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जिससे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आगे का पेज कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। दोस्तों अभी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप किस डेट को EMI अपने खाते से डेबिट कराना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक डेट चूज कर लेना है अपने हिसाब से, जैसे मान लो आपकी सैलरी जिस भी डेट को आती होगी उसके एक दो दिन बाद ही आपको करना है, ताकि आपका खाते में पैसा उपलब्ध रहे। तो यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक कर देना है, यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका लोन के लिए अप्रूवल हो चुका है, आपका पैसा जो भी होगा, ये जिसे मेरा 22,000 का था, ये खाते में आ जाएगा कुछ समय के बाद, 5 मिनट बाद, और उसके बाद आसानी पूर्वक आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और टाइम टू टाइम EMI भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।